सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया, किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया तहसील में? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह यादव जी के आह्वान पर आज धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसके मुद्दे हैं कि महंगाई पर। जो बीजेपी की सरकार है वह कहती ज़रूर है कि हम काम सारे करेंगे, लेकिन उनके सिर्फ हवाई हवाई फायर रहता है और कुछ भी नहीं है। चाहे वो महंगाई को लेके हो, कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन आप देखिएगा तो डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर इतने तेजी दामों पे बढ़ते जा रहे हैं कि गरीबों को अगर आपने सिलेंडर दे भी दिया है तो इतना पैसा नहीं है कि दूसरा वो रिफ़िल दोबारा ले सके। और बेरोजगारी, जनता इतने बेरोजगार हैं सभी लोग, लेकिन फिर भी कोई नौकरी के नाम पर किसी की नौकरी नहीं लग रही है। यही सब मुद्दे हैं किसानों के लिए भी मुद्दे कई ऐसे हैं जो कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ कह रही है कि हम सबके साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन विकास नहीं, पूरे सभी लोगों का अत्याचार हो रहे हैं और सभी का एक एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, और महिलाओं के साथ इतना अपमान, बलात्कार, बच्चियों के साथ गलत दुष्कर्म हो रहे हैं। यही है क्या बीजेपी की सरकार? हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ये सब नहीं था, तब बहुत शांति से किसानों को भी बहुत राहत थी, खाद की बोरियां बहुत इजीली मिल रही थी किसानों को, बहुत राहत। समाजवादी पार्टी की सरकार जब माननीय अखिलेश सिंह यादव जी जब थे तब इतना अच्छा किसानों के लिए बहुत अच्छी राहत थी, परंतु अब कुछ भी नहीं है। यही सब मांगें बस रखी गई हैं जो दी गए हैं। माननीय आजम खान साहब जी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, जो 9 बार से विधायक रहे हों, राज्यसभा के सांसद रहे हों, और वर्तमान में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूरी भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत लगा के उनको नहीं हरा पाए और लाखों वोटों से जीते, इसके बाद उन पर तमाम फर्जी मुकदमे उनके लादे जा रहे हैं। साथियों, जे बदले की भावना से जो सरकार ये काम कर रही है, ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। लोकतंत्र के इतिहास के लिए अगर आप कर रहे हैं तो दूसरा करेगा, तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। इसलिए सरकार को हम लोग इसके माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जगाना चाहते हैं कि किसान जागो, किसानों के लिए काम करो, नौजवानों को नौकरियां देने का काम करो। नहीं समझे? जिस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जिस तरह का जो राज चल रहा है, गरीब की, किसान की, नौजवानों की, यह सरकार सुन नहीं रही है। अधिकारियों की मनमानी चरम पे है और आने वाला समय 2022 में लोग अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि जो विकास उन्होंने प्रदेश में किया है उसका कोई शानी नहीं है। साथियों, यही सारे मुद्दे हैं, इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।